हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्लीव डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक बुकरम का पीस लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इसकी जो चौड़ाई है बुकरम की वो 5.5 इंच है और जो लंबाई है वो 7 इंच है। इसको डबल फोल्ड करना है और ये जो डिज़ाइन है वो 6 इंच का बनाना है हमें, तो दोनों साइड हमें मार्जिन रखना है। 6 इंच पे हमें निशान लगाना है और दोनों साइड हमें मार्जिन भी रखना है। बीच सेंटर पे भी निशान लगाना है 3 इंच पे। आप देख सकते हैं हमने पहले 6 इंच पे लगाया है, फिर हमने बीच सेंटर पे लगाया है निशान। अगर आप का डिज़ाइन जो है वो 6 इंच से ज़्यादा लंबा रखना है तो आप उसके हिसाब से सेंटर पे निशान लगाएं। एक बार ये और देखें आप, मैंने यहाँ पर एक निशान मैंने सेंटर पे लगाया है 3 इंच पे और 6 इंच पे। आप देख सकते हैं जो हमारा बीच सेंटर का निशान है यहाँ पर इंची टेप को ऐसे रखना है और 1 इंच पे निशान लगाना है आपको। ये जो डिज़ाइन है इसकी चौड़ाई आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर 1 इंच लिया है। उसके बाद आपको इस तरह से मिला देना है तिरछा दोनों साइड से। मैं यहाँ पर हल्की सी शेप दूंगी। इस तरह से आपको हल्की गोलाई देनी है और उसके बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको कटिंग कर देना है। गोलाई देने के बाद आपको कटिंग कर लेना है। अब आप इसी तरीके से दूसरी स्लीव के लिए भी कटिंग कर सकते हैं डिज़ाइन को, और ये जो बची हुई कटिंग है इसी से हम दूसरी स्लीव्स के लिए भी कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस शेप को संभाल के रखें, दोबारा भी आप बना सकते हैं नेक्स्ट टाइम। अब इसे हम कपड़े पे बनाएंगे। इस तरह से कपड़े को कटिंग कर लेना है, चारों तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा। अब इस जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है इसे फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर चारों तरफ से आपको फोल्ड कर देना है नॉर्मली, जैसे हम नेक बनाते हैं बुकरम का। फोल्ड करने के बाद अब हम स्लीव्स को रखेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग ऑलरेडी की हुई है, नॉर्मली कटिंग करनी है, कोई चेंजेस नहीं करना है। आप कॉटन के स्लीव्स पे भी बना सकते हैं ये डिज़ाइन। ये लाइनिंग वाला स्लीव्स है मेरा, तो मैंने लाइनिंग भी अटैच कर लिया है, नॉर्मल कटिंग की है। स्लीव्स की जो लेंथ है वो 9 इंचेस है, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। बीच सेंटर पर हमें यहाँ पर कट लगाना है, उसके बाद हमें फोल्ड करना है स्लीव्स को। फोल्ड करने के बाद सेंटर पे निशान लगाएंगे, नीचे की ओर से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। सेंटर पे निशान लगाने के बाद नीचे की ओर से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। इसे भी फोल्ड करेंगे डिज़ाइन को।
और इसके सेंटर पे भी हमें निशान लगा लेना है इस तरह से, ताकि हमारा जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो इक्वल रहे, कहीं से कम ज़्यादा ना हो। और जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था उसके ऊपर रखते हुए सेंटर पे सिलाई लगाएंगे, ताकि ये डिज़ाइन हिले ना। अब सेंटर का जो सिलाई लगाया है उसके बाद आपको चेक करना है इस तरह से। अब हमें इसके अंदर सिलाई लगानी है चारों तरफ से। यहाँ पर जो सिलाई लगानी है वो बुकरम को टच करते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर फिनिशिंग के साथ आपको सिलाई लगानी है। जो हमारा कॉर्नर है वहाँ पर सुई को नीचे करते हुए हमें घुमाना है। इस तरह से सुई को नीचे करेंगे और घुमाएंगे, ताकि जो कॉर्नर है वो अच्छे से बन सके। अब ये जो बीच का कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। पहले एक कट लगाना है इस तरह से। कट लगाने के बाद अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करेंगे। सिलाई को छोड़ते हुए हमें कट करना है। ध्यान रखना है आपको सिलाई कटनी नहीं चाहिए। और जो हमारे कॉर्नर है उस पर भी हमें कट लगाना है। इस तरह से चारों तरफ से आपको कट लगाने हैं, ताकि ये इजीली फोल्ड हो सके। अब अंदर की ओर इसे हम फोल्ड कर देंगे। कट नहीं लगाओगे तो फोल्ड नहीं होगा अंदर की ओर। ये प्रॉपर कट लगाने हैं और ऊपर की ओर से कच्चा बखिया लगाना है आपको, क्योंकि हमें बाद में इसके ऊपर तुरपाई करनी है। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इस पे तुरपाई करूँगी। आप देख सकते हैं डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। ये इसका फाइनल लुक है इस डिज़ाइन का। इसके बाद आप नॉर्मल स्लीव्स की तरह इसको अटैच कर सकते हैं। ब्लाउज या सूट जिसमें भी आपको अटैच करना है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। नॉर्मली फिटिंग कीजिए और इसे अटैच कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक।